दर्शकों, आज मैं आपको दिल को छू लेने वाली मार्मिक एक छोटी सी कहानी के बारे में, जिसको सुनकर आपका भी दिल पिघल जाएगा, क्योंकि कहानी ही कुछ ऐसी है जो हमें जिंदगी में एक बहुत बड़ी सीख दे जाती है। एक भिखारी एक रोज दरवाजे पर जाता और भीख के लिए आवाज लगाता, और जब घर मालिक बाहर आता तो उसे गंदी गंदी गालियां और ताने देता। मर जाओ, काम क्यों नहीं करते, जीवन भर भीख मांगते रहोगे। कभी कभी गुस्से में उसे धकेल भी देता, पर भिखारी बस इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करें। एक दिन सेठ बड़े गुस्से में था, शायद व्यापार में घाटा हुआ था। वो भिखारी उसी वक्त भीख मांगने आ गया। सेठ ने आओ देखा न ताओ, सीधा उसे पत्थर से दे मारा। भिखारी के सर से खून बहने लगा, फिर भी उसने सेठ से कहा, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करें, और वहां से जाने लगा। सेठ का थोड़ा गुस्सा कम हुआ तो वहां सोचने लगा, मैंने उसे पत्थर से भी मारा पर उसने बस दुआ दी, इसके पीछे क्या रहस्य है, जानना तो जरूर पड़ेगा। और वहां भिखारी के पीछे चलने लगा। भिखारी जहां भी जाता सेठ उसके पीछे जाता। कहीं कोई उस भिखारी को भीख दे देता तो कोई उसे मारता, जलील करता, गालियां देता, पर भिखारी इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करें। अब अंधेरा हो चला था, भिखारी अपने घर लौट रहा था, सेठ भी उसके पीछे था। भिखारी जैसे ही अपने घर लौटा, एक टूटी फूटी खाट पे एक बुढ़िया सोई थी जो भिखारी की पत्नी थी। जैसे ही उसने अपने पति को देखा, उठ खड़ी हुई और भीख का कटोरा देखने लगी। उस भीख के कटोरे में मात्र एक आधी बासी रोटी थी। उसे देखते ही बुढ़िया बोली, बस इतना ही और कुछ नहीं, और ये आपका सर कहाँ फूट गया। भिखारी बोला, हाँ बस इतना ही, किसी ने कुछ नहीं दिया, सबने गालियां दी, पत्थर मारे, इसलिए ये सर फूट गया। भिखारी ने फिर कहा, सब आपने ही पापों का परिणाम है। याद है ना तुम्हें, कुछ वर्षों पहले हम कितने रईस हुआ करते थे, क्या नहीं था हमारे पास, पर हमने कभी दान नहीं किया था। याद है तुम्हें वो अंधा भिखारी। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, हाँ, कैसे हम उस अंधे भिखारी का मजाक उड़ाते थे, कैसे उसे रोटियों की जगह खाली कागज रख देते थे, कैसे हम उसे जलील करते थे, कैसे हम उसे कभी कभी मार या धकेल भी दिया करते थे। अब बुढ़िया ने कहा, हाँ सब याद है मुझे, कैसे मैंने भी उसे राह नहीं दिखाई और घर के बने नाले में गिरा दिया था। जब भी वहां रोटियां मांगता मैंने बस उसे गालियां दी, एक बार तो उसका कटोरा तक फेंक दिया, और वो अंधा भिखारी हमेशा कहता था, तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर करेंगे, मैं नहीं। आज उस भिखारी की बद्दुआ और हाय हमें ले डूबी। फिर भिखारी ने कहा, पर मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे मेरे साथ कितनी भी जाति क्यों ना हो जाए, मेरे लव पर हमेशा दुआ रहती है, और अब नहीं चाहता कि कोई और इतने बुरे दिन देखे। मेरे साथ अन्याय करने वालों को भी मैं दुआ देता हूँ, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं वो क्या पाप कर रहे हैं जो सीधा ईश्वर देख रहा है। जैसे हमने भुगती है कोई और न भुगते, इसलिए मेरे दिल से बस इतना निकलता है, या हाल देख कर मैं उसको दुआ दे देता हूँ। सेठ चुपके चुपके सब सुन रहा था, उसे अब सारी बात समझ आ गई थी। बूढ़े बुढ़िया ने आधी रोटी को दोनों मिलकर खाया और प्रभु की महिमा है बोलकर सो गए। अगले दिन वहां भिखारी भीख मांगने सेठ के यहाँ गया। सेठ ने पहले से ही रोटियां निकाल कर रखी थी, उसने भिखारी को दी और हल्के से मुस्कान भरे स्वर में कहा, माफ करना बाबा, गलती हो गई। भिखारी ने कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करें, और वो वहां से चला गया। सेठ को एक बात समझ आ गई कि इंसान तो बस दुआ बद्दुआ देते हैं, पर पूरी वो ईश्वर वो जादूगर कर्मों के हिसाब से करता है। हो सके तो बस अच्छा करें, जो दिखता नहीं है वो क्या हुआ, सबका हिसाब पक्का रहता है भगवान के पास। नेक्स्ट 9 भक्ति सागर से आकाश की रिपोर्ट।